जॉब में फाइट बैक रहता है हमेशा। अब वही वाली बात हो गई, एक बार ठान लिया तो ठान लिया। Very focused and dedicated. Apart from training full time, he's teaching, traveling to Delhi to teach. There's personal training happening. He's doing his strength and conditioning. Very focused. So all the fighters we have here work really, really hard. But Bhima Thapa also is, he works smart and he's at the same time while working hard. He's very technical with what he does. पहले हमारे नाम से जाना जाता था, अब मैं चाहती हूँ कि मैं इसके नाम से जानी जाऊँ कि राहुल थापा की मम्मी है ये। कहते हैं ना कि अपनी लाइफ एक डिवोट कर देना किसी चीज को, तो वो इसके अंदर देखने को मिलता है। जब मैं कॉलेज में था उसी दौरान मैंने MMA ज्वाइन किया था। टीवी पे कुछ मैं देख रहा था फाइट्स वगैरह, अचानक जैसे होता ना अंदर से ही आपको एक कॉल आता है, ऐसे वो उठता है कि ये क्या है, ये मुझे करना चाहिए। मतलब कि वो जस्ट एक क्लिक में आया कि इसको करो। मैंने अपने स्कूल के दोस्तों को कॉन्टैक्ट किया, मैंने कहा तुम्हें उस सर के बारे में पता जो मेरे PTA सर थे, क्योंकि मुझे इतना पता था कि वो भी किसी गेम में थे, वो बॉक्सिंग या MMA थे, वो भी MMA में थे। तो उन्होंने बोला कि पहले यहाँ से बॉक्सिंग कर, फिर बॉक्सिंग के थ्रू MMA में जा। सातवीं आठवीं में पढ़ता था, ये अपने दोनों दीदियों को पकड़ पकड़ के बैट पे गिरा देता था। हमने इसको खेलने के लिए हमने कहा जो तूने कैरियर चुनना वो चुन ले, इसने फिर वही कैरियर चुना। MMA नहीं होता तो मैं, खाने का बड़ा शौक है तो मुझे खाने का शौक है, तो मैं फिर सीखता कि खाना कैसे बनता है, फिर मैं खुद अपने लिए चीज़ें बनाता और खाता। शक्तिमान बनता था तब, ऊपर से छलांग लगाना गेट पे से, दीवारों से। मैं एक ऐसा अकेला बनता था जिसने इतनी लेट बॉक्सिंग स्टार्ट की थी, जो उधर सब बंदे थे, सब यंग बंदे थे, लगा लो 15-16 साल ऐसे बंदे थे, और मैं उस दिन 20 साल का पहली बार घुसा पड़ा मुंह पे तो रिलैक्स हुआ। नहीं इतने बड़े ग्लव से भी मार पड़ती है, ये नहीं है कि छोट सिर्फ इन्हों से मार पड़ती है, वो उतना बड़ा ग्लव भी बहुत होता है मार खाने के लिए। डिस्ट्रिक्ट खेला, इंटर कॉलेज खेला, यूनिवर्सिटी खेला, सब खेला मैंने। मैं बहुत फिटा, मेरे जितने भी आप अगर आप मुझे पास से देखोगे ना, मेरे बहुत कट्स हैं आईब्रोज में, मेरी नाक टूटी पड़ी है, यहाँ से 2 बार टूटी थी मेरी नाक। अब वही वाली बात होती है, एक बार ठान लिया तो ठान लिया। Not like he's just always been here. Sometimes I wish he would just leave so I don't have to see him again, but he's very very persistent and he's just been here every day since then. जो भी चीज़ आप कर रहे हो अगर उसमें आप बेस्ट नहीं हो तो आपको कोई जानेगा नहीं, मतलब कोई पूछेगा नहीं, कोई जानेगा नहीं, आप उस गेम में और नहीं इम्प्रूव हो गए। तो फिर मुझे ऐसा लगा नहीं अगर मैं MMA कर रहा हूँ तो मुझे किसी गेम मतलब किसी फील्ड में तो सबसे अच्छा होना चाहिए। ठीक है स्कूल में नहीं हो पाया तो यहाँ पर बनेंगे हम सबसे अच्छे। 26 अप्रैल 2018 MMA amateur डेब्यू किया था मैंने, तो मेरी फ़ाइट मिस हो गई। तो फिर उन्होंने बोला कि अब आपकी फ़ाइट मिस हो गई, आपके पास एक ही ऑप्शन बचा वो खेलने का वेल्टरवेट, अब बताओ आपको खेलना है नहीं खेलना। मैंने वेल्टरवेट खेला और मैं वो डिवीज़न जीत गया, 4 फाइट हुई थी मैं चारों जीत गया। अब ये अपनी क्लास में सबसे लंबा लगता था ना, क्लास में सीट में बैठता था तो मैडम कहती थी खड़े क्यों हो राहुल थापा बैठ जाओ, ये कहता था मैं बैठा तो हूँ। अगर आप फाइट करने जा रहे हो तो आपको मेंटली स्ट्रांग होना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जब भी कोई फाइट लड़ते हैं हम वो फाइट पहले मेंटली जीतते हैं, दिमाग से। अगर आप अपने दिमाग से जीत जाओगे तो फिजिकली आराम से जीतोगे उससे। थोड़ा सा फाइनेंशियल इशू आ जाता था उस टाइम मेरे पास जब मैं मैच्योर था, तो पैसे वैसे नहीं होते। आप जानते हो MMA फाइटर की क्या कंडीशन होती है इंडिया में, हर एक इंडियन MMA फाइटर से पूछोगे या जो एमेच्योर लेवल पे है या जो अब स्टार्ट कर रहे हैं वो सब MFN में आना चाहते हैं। अगर आप देखोगे MFN कंडेंसर जब होती है लगा लो 500-600 फाइटर्स आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि उनको MFN में आना है। देखो अगर मैं MFN को कभी भी मैं अगर अब फ़ोन में देखता हूँ तो मुझे लगता है कि जैसे बहुत बड़ा इवेंट हो रहा है, बाहर से फाइटर्स आ रहे हैं, मतलब देखने में तो यकीन नहीं होता कि ऐसा हो रहा है इंडिया में। मैं MFN में जब पहली बार गया तो मैं तो बहुत शायद था मेरे को, मतलब वो इतने बड़े बड़े स्टार्स हैं, मुझे पहली बार देखा तो मैं तो कुछ बोल ही नहीं पाया, पर मैंने देखा कि नहीं वो बहुत ही अच्छे हैं, काइंड है, मतलब आयशा मैम कृष्णा मैम दोनों बातचीत करने में बिल्कुल, तो मुझे अच्छा लगा कि नहीं शुक्र गुजार हूँ मैं इस चीज़ के लिए। चलो मेरे बच्चों के लिए, मतलब सब बच्चों के लिए उन्होंने ऐसा किया है। ये
मेरा फेवरेट आइडल है, जो मुझे लगता था कि पूरा कंप्लीट फाइटर है, और जिस बंदे ने मतलब अगर वो अब जिन बंदों से हारा भी और उनके हारने के बाद अपनी लॉस अवेंज भी करी, तो वो है जॉर्ज सेंट पियर। उसने कराटे से स्टार्ट किया था अपना गेम, पर उसने अपनी रेसलिंग, जुजुत्सु और स्ट्राइकिंग इतनी अच्छी कर ली कि वो उसका गेम पूरा बदल गया, समझ रहे हो। ग्रीक गॉड की स्टोरी भी बड़ी इंटरेस्टिंग है ये। एक बार मैं एक दिल्ली में टूर्नामेंट हो रहा था, अमेचर टूर्नामेंट, तो मैं वो खेलने गया था। तो उस टाइम मैं लगा लो 2019 की बात है, हाँ 19 की बात है, उस टाइम मैं पतला था, फुल जैग्ड एब्स वैब्स, लाइट वेट में खेल रहा था मैं। मेरे बाल भी थोड़े वैसे थे ये वाले जैसे अभी, तो छोटे हैं, उसमें थोड़े पूरे और तगड़े वाले थे। तब उसने बोला था कि तुम वैसे लगते हो ये ग्रीक गॉड जैसे। तो उस टाइम मुझे समझ नहीं आया ये क्या बोल रहा है, कौन है ग्रीक गॉड। तो मैं उससे पूछने लगा ग्रीक गॉड कौन है, तो उसने बोला वो होते हैं वो थोड़े ना ऐसे, तुम्हारे ऐसे मस्कुलर होते हैं थोड़े, क्योंकि वो बोलते हैं ना कि आपको आपका नाम फैन ही देते हैं। अगर मैं फ़ाइट करूँगा तो मेरी फ़ाइट ईजी नहीं होगी जिसके साथ भी होगी। अगर आप कभी मेरी फ़ाइट देखोगे वो ईजी फ़ाइट नहीं होगी, वो फ़ाइट अगर मैं कभी हारा भी हूँ तो फ़ाइट लंबी चली है हमेशा, क्योंकि मेरी विल मुझे अलाउ नहीं करती इतनी जल्दी हारना, मतलब मैं फाइट बैक रहता है हमेशा। राहुल थापा की स्पेशलिटी है कि डजंट गिव अप, यू नो देयर इज लॉट ऑफ पीपल हु आर इन द फाइट गेम, बट थापा इज वन जो काफी टाइम से डज नॉट गिव अप। आई मीन यू कैन सी दैट क्लियरली, वेदर ही इज डाउन वेदर ही इज अप, ही कीप फाइटिंग। सपोज कोई टाइम लिमिट नहीं होती और हमें फाइट करनी होती है अनलिमिटेड, तो मैं उससे लड़ते रहता जब तक एक बंदा हार नहीं मानता, और मे बी एक बंदा मर नहीं जाता। मेरा अपोनेंट अफगानिस्तान से है, मैं उनसे एक दो बार मिला हूँ, बंदे तो अच्छे लगे, मतलब बड़े पोलाइट बंदे हैं, बात भी ढंग से करते हैं। अगर वो मुझे नॉमिनेट करेगा तो मेरे को भी रेसलिंग आती है, तो देखेंगे किसकी रेसलिंग अच्छी है। पर हम एमएमए फाइट कर रहे हैं ना, तो देखते हैं कौन अच्छा मार्शल आर्टिस्ट है ना, तो वो तो कैसे पता चलेगा ना कि वो अच्छा मार्शल आर्टिस्ट है या मैं। MFN 14, आई एम कमिंग नाउ, इट्स माई टाइम इन MFN 14। मैं बस उसको ये बोलना चाहूँगा ऑल द बेस्ट, मे द बेस्ट मैन विन, आई एम द बेस्ट मैन।